आज तारीख है 17 मार्च 17 मार्च 2024 का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से मोटिवेशनल कोट के साथ। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है ना। अभी इरादा का परीक्षा भी खत्म नहीं हुआ कि आप कितने स्टेबल हैं, अभी तो इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी छोटे सा तो काम किए हैं, अभी तो तौला आसमान बाकी है, अभी बहुत बड़ा कामों का जिम्मेदारी लेना अभी बाकी है। तो इस मोटिवेशनल कोट के साथ आज का क्वेश्चन, करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रणजी ट्रॉफी 2023 और 2024 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन से मुंबई के द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा, उत्तराखंड के द्वारा या विदर्भ, यानी विदर्भ के द्वारा, ठीक है, महाराष्ट्र को विदर्भ भी बोला जाता है, तो महाराष्ट्र विदर्भ के द्वारा, तो एक विदर्भ में महाराष्ट्र में मुंबई भी है विदर्भ भी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे मुंबई के द्वारा। मुंबई के द्वारा रणजी ट्रॉफी का जीता गया, रणजी ट्रॉफी जीता गया मुंबई के द्वारा। आइए, कहता है विदर्भ को हराया गया, मुंबई में ने रणजी ट्रॉफी को जीता, ठीक है, 24 रनों से जीता। तो याद रखें रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन बनेगा। तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। फाइनल मुकाबले में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, एक क्वेश्चन और याद रखने वाला है कि वानखेड़े स्टेडियम कहां स्थित है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। दो क्वेश्चन हो गया, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्रिकेट संबंधित है, वानखेड़े स्टेडियम कहां है, मुंबई में स्टेडियम है, और तीसरा क्वेश्चन क्या था, इस बार रणजी ट्रॉफी किसने जीता, ठीक है, तो मुंबई के द्वारा जीता गया। किसको हरा करके, विदर्भ को हरा करके, कितने रनों से जीता, 24 रनों से जीता। चलिए, कहता है मुंबई के कप्तान थे अजिंक रहाणे, ये सब कोई जरूरी नहीं है। आइए, विदर्भ के कप्तान थे अजय वाडकर, और इस बार जो प्लेयर ऑफ द सीरीज तनुष कोटी, ये सब कोई भी जरूरी का चीजें नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, रणजी ट्रॉफी का ये संस्करण, तो रणजी ट्रॉफी का ये 79वां संस्करण है, ठीक है। आयोजन 5 जनवरी से 14 मार्च 2014 तक यानी समाप्त हो चुका। इसका आयोजक कौन, किसने आयोजन किया, तो BCCI भारतीय क्रिकेट काउंसिल के द्वारा किया गया। चैंपियन कौन बना, मुंबई बना, ये मुंबई का ये 42वां खिताब है। रनर, फर्स्ट रनर यानी सेकंड में कौन रहा, विदर्भ, ठीक है। आइए, आज का ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, कहता है फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो अभी आपने लड़ाई ही देख रहा था, है ना, फिलिस्तीन के साथ हो रहा है गाजा पट्टी को लेकर के। तो मोहम्मद मुस्तफा, फेलेटी टेओ, नवाज सलाम या फिर ओलजास बेक्टोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद मुस्तफा। मोहम्मद मुस्तफा को फिलिस्तीन, फिलिस्तीन की राजधानी कहां है, जेरूसलम, कहां है, जेरूसलम, कहा है, अच्छा कहा है, गलत, कहा है, बताइए, इजराइल की राजधानी जेरूसलम और फिलिस्तीन के भी राजधानी जेरूसलम है, इसी को तो लेकर के लड़ाई हो रहा है, ठीक है ना। आइए, कहता है मोहम्मद मुस्तफा फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं, हाँ एक आध जगह तेल अभी भी होने की संभावना है। मोहम्मद राष्ट्रपति अब्बास, उन्हें नया पीएम नियुक्त किया गया, तो वहां के राष्ट्रपति कौन है, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अब्बास फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं, और यहाँ के नए पीएम कौन बने, मोहम्मद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा यहाँ के पीएम बने हैं, ठीक है। तो ये सब गाजा पट्टी को लेकर के लड़ाई चल रहा था फिलिस्तीनियों के साथ, है ना, तो इसलिए ये इस्तीफा दे दिए थे, तभी बताया ना गाजा पट्टी को लेकर के लड़ाई चल रहा है। फिलिस्तीन, फिलिस्तीन के बारे में देखिए, कहता है फिलिस्तीन की राजधानी जेरूसलम, क्या मैंने गलती बोला, फिलिस्तीन की राजधानी कहा, जेरूसलम, इसी को लेकर के तुलना है, पूरा वर्ल्ड को समझोगे तब तो समझ में आएगा, ठीक है। सीमित मान्यता, सब कोई मान्यता इसको नहीं देता है, सीमित मान्यता है यानी सब कोई मान्यता नहीं देता। प्रशासनिक केंद्र है ना, रमल्ला है, यानी जहां से काम होता है वो रमल्ला से होता है, ठीक है। तब फिलिस्तीन क्या हो गया, देखिए ऐसा क्वेश्चन है, समझिएगा बात को, ये आप देखो, ये है इजराइल, ये क्या है, इजराइल, और एक में ये वाला है फिलिस्तीन, ठीक है। अब ये यहां से लेकर के ऐसा इसका बाउंड्री आता है, समझ में आया,
यही इसराइल और फिलिस्तीन सब दोनों में है, गाजा पट्टी को लेकर के लड़ाई हो रहा है, ठीक है। और इसकी जो राजधानी है वो कहां बताया, जेरूसलम। तो इसराइल की राजधानी भी जेरूसलम है, ये वाला देखिए जेरूसलम, इसराइल की राजधानी भी जेरूसलम है और फिलिस्तीन की भी राजधानी जेरूसलम है, लेकिन दोनों में किसी का राजधानी जेरूसलम नहीं है, क्योंकि राजधानी में एम्बेसडर लोग बैठते हैं। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली में सभी देश के एम्बेसडर यहाँ पे आके बैठते हैं, ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सभी देशों के राजदूत आकर के एम्बेसडर आकर के बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं बैठता है। क्या करता है, इसराइल अपनी एम्बेसडर को बैठाता है तेल अबीब में, कहां बैठाता है, तो तेल अबीब, ठीक है। तो राजधानी तेल अबीब को मानता है, और फिलिस्तीन राजधानी अभी अपना में जो काम चला रहा है वो रामल्ला से चला रहा है, ठीक है। फिलिस्तीन किससे काम चला रहा है, तो ये रामल्ला से चला रहा है, याद रखेंगे। फिलिस्तीन किससे काम चला रहा है, रामल्ला, यानी सारा जितना भी प्रशासनिक काम हो रहा है वो रामल्ला से हो रहा है। जैसे हमारे देश की राजधानी राजधानी नई दिल्ली है, वहां प्रशासनिक कार्य वहीं से चलता है, लेकिन ये चला रहा है रामल्ला से और ये चला रहा है तेल अबीब से, लेकिन दोनों की राजधानी मानता है कि हमारी राजधानी कहां, इसराइल है, लेकिन सही में दोनों की राजधानी इसराइल नहीं है। तो आपको बच्चे समझ में आ गया होगा। तो राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास है, प्रधानमंत्री बोलिए मोहम्मद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा, ठीक है। यहाँ का मुद्रा क्या है, तो मिस्र पौंड भी चलता है, इजरायली न्यू सेकेल भी चलता है और जॉर्डिनियन दिनार भी चलता है, यानी कंफर्म ये देसी नहीं है, ठीक है। खाली लड़ाई कर रहा है, जिंदगी इसको कैसा कट रहा है। आइए अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां देखते हैं। तो फ्रांस के प्रधानमंत्री जल्दी में बने हैं गैब्रियल अटल, गैब्रियल अटल को फ्रांस के प्रधानमंत्री बनाया गया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे और कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स तसे सी केदी, ठीक है। कांगो जायरे कांगो वाला। आज का ये क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में संकलन ऐप कौन सा ऐप, संकलन ऐप किसने लॉन्च किया है, अमित शाह के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा, पीयूष गोयल के द्वारा, अनुराग ठाकुर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा गृह मंत्रालय, अमित शाह के द्वारा, ठीक है, अमित शाह के द्वारा, याद रखेंगे। कहते केंद्रीय गृह मंत्री सहकारी मंत्री अमित शाह, दो मंत्री इनको कार्यभार है, एक सहकारिता मंत्री भी इनको अमित शाह को दिया गया है और केंद्रीय गृह मंत्री भी इन्हीं को दिया गया है। तो एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, संकलन, क्या नाम है, संकलन, ठीक है। इस ऐप में क्या हो गया, पुराने और नए आपराधिक कानूनों के बीच का पुल के रूप में काम करेगा, नया आपराधिक यानी पहले भी ऐसा अपराध किया था या अभी नया अपराध किया, दोनों के बीच बताएगा, कनेक्शन करने का काम करेगा, अपराधों को यह सूची लिस्ट डाटा जारी करेगा, ठीक है। आज देखिए ऐप्स कौन से ऐप्स लॉन्च किए या पोर्टल लॉन्च किए, तो हज सुविधा ऐप कुछ दिन पहले पढ़ाया था, स्मृति ईरानी के द्वारा लॉन्च किया गया था। स्मृति ईरानी प्रथम ऐसी हिंदू महिला थी जो मक्का मदीना के गेट तक पहुंची, है ना, मुसलमान किसी को एंट्री नहीं देते थे। आइए तो इस प्रकार से हज सुविधा स्मृति ईरानी, प्रेस सेवा पोर्टल अनुराग ठाकुर, स्वाति पोर्टल अजय कुमार सूद, अपना चंद्रयान पोर्टल धर्मेंद्र प्रधान, चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रोलर बॉन्ड, आज का ये क्वेश्चन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होगा, इलेक्ट्रोलर बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक किया, जिसके अनुसार सबसे ज्यादा किस पार्टी को चंदा मिला, कि सबसे ज्यादा चंदा यानी पैसा किस पार्टी को मिला, है ना, तो ऑब्वियसली बीजेपी को मिलेगा, सबसे बड़ा पार्टी यही है, ठीक है। डीएमके, आईएनसी, आरजेडी तो बिहार में थी, इसको क्या मिलेगा, खाक मिलेगा, ठीक है। तो ये बीजेपी को मिला, बिहार भारतीय जनता पार्टी को मिला। चुनाव आयोग अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार, और दो गो बने थे, ज्ञानेंद्र, ज्ञानेश और सुखदेव संधु, ठीक है। तो चुनाव आयोग 14 मार्च 2024 को इलेक्ट्रोलर बॉन्ड डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है। इसमें इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदने वाले की जानकारी होती है कि किसने किसने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा, ठीक है। तो बीजेपी को सबको कितना कितना मिला है बॉन्ड, उतना है टोटल 47% यानी आधा तो इसी के द्वारा खरीदा गया, इसी का खरीदा, ठीक है। देखते हैं किस कंपनी को कितने इलेक्ट्रोल बॉन्ड मिले, कौन कौन दिया, तो ये सब कंपनी है, कितना पैसा दिया, कंपनी पैसा देता है ना, किसके लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है। कंपनी इसलिए पैसा देती है कि जो सरकार अच्छा आएगी तो हमें फायदा होगा, उसको लगता है कि ये सरकार आएगी
तो हमें फायदा होगा, तो वो ज्यादा पैसा देती है क्योंकि पैसा के बदल लड़ा जाएगा, जीता जाएगा। ठीक है, पहले ये चीज सार्वजनिक नहीं होती थी, गुप्त रखा जाता था। ठीक है, इससे बड़ा भ्रष्टाचारी होने लगा। कारण क्या आ गया था कि कंपनियां, जैसे मान लिया जाए मेरा स्कूल है, ठीक है, सरकार को हमने पैसा दिया 1 करोड़ रुपया, ठीक है, और 1 करोड़ के बदले कुछ तो हमको जरूर सरकार देगी। सरकार बाद में 110 करोड़ हमें देती थी, ठीक है, तो हम उसको 1 करोड़ दे दिए। लेकिन यह चीज सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, कहे कि 1 करोड़ रुपया जो हम दिए वो फ्री में देना होता है। क्यों? इसलिए कि आप जीतिएगा तो हमें कुछ फायदा होगा, इसलिए नहीं कि आप हमको लौटाइएगा। लेकिन वो जो नेता थे वो बात कर लेते थे कि तुम हमें पैसा दो, बाद में तुमको हम दे देंगे, और दिखाना कि हमने सरकार को फ्री दिया। बात को समझ में आया? अब बताइए ऐसा कौन करेगा? वही लोग करेगा, फ्री के पैसा वही लोग देगा जो कंपनी बहुत फायदा में है। ठीक है, पकड़ा तब गया जब कंपनी लॉस में जा रहा था और सरकार को, यानी कि जो मंत्री थे उसको बहुत पैसा दे दिया पार्टी को, तब पता चला कि जरूर फायदा होगा, तभी ना कर रहा है। और नहीं तो जो कंपनी नुकसान में चल रही है वो काहे ना चंदा देगी। अब जैसे स्कूल मेरे घाटे में चल रहा है मान लीजिए, अब कोई आया है चंदा कि 10,000 चंदा दे, तो उसको दे पाएंगे? है ना, चंदा दिए तो पैसा होगा, बदले में हमको कोई देगा क्या? चंदा पैसा मिलता है? नहीं मिलता है। तो ये कह दिया था क्या कि अभी आप दे दो, ये फ्री के दे दिए और बाद में इससे ज्यादा पैसा देंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए ये बनाया गया और सबको पैसा भी मिलता है और सार्वजनिक भी किया गया किस कंपनी के द्वारा कितना दिया गया। ठीक है, चलिए। तो इलेक्ट्रोलर बॉन्ड हमने कल थोड़ा सा ये भी बताया था, कहता है इलेक्ट्रोलर बॉन्ड का मतलब होता है राजनीतिक चंदा। नहीं, कल बोला था, तो ये पूरा क्लास में बोला था कि इलेक्ट्रोलर बॉन्ड का मतलब राजनीतिक चंदा, यानी लोग फ्री के पैसा देते हैं। चंदा मतलब फ्री के पैसा, भोजपुरी फिल्म याद आ गया चंदा वाला। कहता है भारत सरकार ने इलेक्ट्रोलर बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में किया था। इस योजना को सरकार ने जनवरी 2018 में कानून बनाया कि अब क्या होगा, फ्री के कोई देंगे तो बताएंगे कि हमने कितना दिया। ठीक है, उसका डाटा होगा और उसे फिर ये चेक किया जाएगा कि फिर तो दोबारा नहीं मांग रहा है। कहता है योजना 2017 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और सुनवाई 2019 में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2024 में फैसला सुना दिया था, इलेक्ट्रोलर बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है। ठीक है, ये फैसला क्या सुनाया? असंवैधानिक है। आइए आगे देखते हैं, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया, है ना, तो ये सारे बच्चों को याद रहता है ना। वर्ल्ड कंज्यूमर डे, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 12 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है कितना तारीख को? 15 मार्च को। उपभोक्ता अधिकार उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को उजागर करता है। जैसे कोई आदमी आपसे, कंज्यूमर से, ग्राहक से, है ना, ग्राहक को लोग क्या कहते हैं? ग्राहक। बड़ा खराब लगता है नहीं, अधिकतर लोग ग्राहक वाइल है। ग्राहक यानी कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को क्या होता है, मान लिया जाए कोई दाम जितना लिखा हुआ है मूल्य, उससे ज्यादा पैसा ले रहा है, तो आप डायरेक्ट केस कर सकते हैं, कहीं भी 1 रुपया ज्यादा नहीं ले सकता, कुछ जगह को छोड़ करके, सिनेमा हॉल को छोड़ करके और टूरिस्ट पैलेस को छोड़ करके, वहां पे आपको मूल्य से ज्यादा ले सकता है, लेकिन और जगह नहीं। ठीक है, जैसे आप इस गांव में कोई भी दाम में 12 रुपया है तो 12 से आप 13 रुपया नहीं ले सकते, चाहे दवाई। इसलिए लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स, INCL ऑफ ऑल टैक्स, यानी सारे करों के समित, मतलब समेत कोई चीज खरीदिएगा तो उसमें लिखा रहता है। ठीक है, शायद ये भी लिखा होगा, हाँ एकदम लिखा हुआ है। देखिए MRP लिखा हुआ है, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग रिटेल प्राइस, MRP मैन्युफैक्चरिंग रिटेल प्राइस। अब इसका 45 रुपया है सभी कर के समेत। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है आई इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स, है ना, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स, इसका मतलब क्या हो गया, सभी करों के समेत 45 रुपया से ज्यादा नहीं ले सकता। तो यही साउंड स्लेट में मिलता है 45 रुपया के अंदर में, है ना, 20 रुपये के तो स्लेटे है। ठीक है, चलिए खैर, तो आप बात को समझ लिए।
और क्या है, कोई अगर कोई व्यक्ति कोई दुकानदार क्या कर रहा है, ऐसा सामान को आपको दे रहा है जो वो हो गया है खराब। खराब कैसे, डेट उसमें रहता है ना, मैन्युफैक्चरिंग डेट रहता है, एक्सपायर डेट रहता है, यानी कब का सामान बना हुआ है उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट, और एक्सपायर कितना दिनों में ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्सपायर के बाद भी बेच रहा है तो आप डायरेक्ट केस कर सकते हैं उसको। ये नहीं कहिए कि कहा तो हमको दे दिया, नहीं, केस कर दो, उसका दुकानें खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की शुरुआत अमेरिकी के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने किया था। किसने किया था, कैनेडी के द्वारा वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे की शुरुआत किया कैनेडी ने। यानी ये कैनेडी कौन है बच्चे बताइए, कैनेडी कौन है, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति। 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस का मतलब समझ में आया, अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहा जाता है, अमेरिका में संसद को क्या कहा जाता है, नहीं पता था क्या, कहता है मैं उपभोक्ता अधिकार से संबोधित करते हुए भाषण दिया था, और उस समय आज 2024 का थीम है उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार AI, यानी जिम्मेदार आई। इसका मतलब क्या है, निष्पक्ष यानी किसी का पक्ष नहीं लेना है। जैसे एक आया कंज्यूमर ग्राहक, उसको दो डेट के मेरे पास कोई सामान है, एक एक्सपायर हो जा रहा है मई में और एक एक्सपायर हो रहा है दिसंबर में। ठीक है, और आप जनवरी में आए हैं सामान लेने के लिए, एक ही सामान है बेटे, एक ही सामान है, दो चीज है, बिस्किट का 2 पैकेट है। ठीक है, तो एक पैकेट पर लिखा हुआ है कि ये मई में समाप्त हो जाएगा और एक पैकेट पर लिखा हुआ है दिसंबर में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आपने जनवरी में खरीदने आया, कौन ज्यादा बिस्कुट अच्छा होगा आप बताइए, जो दिसंबर में जल्दी ज्यादा, मतलब दिसंबर में जो खराब होगा, एक्सपायर होगा दिसंबर में। ठीक है, और ये क्या है, उसके तुलना में ये खराब है, खराब अभी हुआ नहीं है लेकिन इसके तुलना में ये खराब है। अब अपना आदमी को क्या करेगा, क्या करेगा, कौन वाला देगा, दिसंबर में देगा, और ओशन का को अब ज्यादा कुछ बोलिएगा तो कहेगा अभी कहां एक्सपायर हुआ है, देखो अभी डेट बच रहा है। ठीक है, निष्पक्ष यानी किसी का पक्ष नहीं लेना है, तो इस बार का ये थीम है ना। गांव में ये सब पता नहीं चलता है लेकिन एक्चुअली में ये सब होती है। खैर, 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो ये वो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को, नोट कर लेना है इस चीज को, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को, और भारतीय यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता, जब भी राष्ट्रीय रहे ना तो भारतीय होता है, भारतीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, जल्दी खत्म करेंगे नहीं तो लाइन कट जाएगा। विश्व जल दिवस कुछ दिन पहले लिखाए थे बच्चे, है ना, अभी 7-6 के क्लास में विश्व जल दिवस पढ़ाया था। कहते हैं मार्च में मनाए जाने वाले, आइए तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस। कहता है और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। कहता है 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस बीमारी से संबंधित है। ठीक है, सिंड्रोम। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग यानी टीवी दिवस, ट्यूबरक्यूलेसिस, टीवी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्यूलेसिस। आज का कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं, विश्व एवं भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया। ओके, पहला जो सुपर कंप्यूटर बना जिसका नाम था फ्रंटियर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट सुपर कंप्यूटर सबसे पहले अमेरिका द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर का नाम रखा गया फ्रंटियर। क्या नाम रखा गया, फ्रंटियर। दूसरा सुपर कंप्यूटर बनाया गया फुगाकू, नाम है सुपर कंप्यूटर का, और किसके द्वारा बनाया गया, जापान के द्वारा। तीसरा कंप्यूटर है लूमी, ये किसके द्वारा बनाया गया, फिनलैंड के द्वारा, अमेरिकी की राजधानी वाशिंगटन DC, जापान की राजधानी टोक्यो, और फिनलैंड की राजधानी बताइए, फिनलैंड देश है,
हाँ देश है की राजधानी है होलसिंकी किसकी राजधानी था हाँ फिनलैंड की राजधानी क्या है होलसिंकी क्या है बताइए आप लोग कुछ याद नहीं करते फिनलैंड की राजधानी होलसिंकी ठीक है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो ठीक है ना याद रखें डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन अब भारत के तीन सुपर कंप्यूटर विश्व का तो देखा सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था बच्चे फ्रंटियर ये याद रखिएगा फ्रंटियर और किसके द्वारा बनाया गया अमेरिका के द्वारा यह स्टैटिक चीज है करंट अफेयर नहीं है परम सिद्धि ये पुणे के द्वारा बनाया गया था परम सिद्धि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि था बाकी याद करना तो याद कीजिए छोड़ दीजिए पियूष और मिहिर इंपॉर्टेंट नहीं मिशन पाम ऑयल समझ में आता है बच्चे ताड़ के तेल पाम ऑयल मतलब ताड़ के तेल पाम ऑयल ताड़ के तेल के तहत पाली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया यानी ताड़ के तेल का यही बनेगा पहले इंडोनेशिया से खरीदते थे अब भारत में बनेगा तो किस राज्य में त्रिपुरा नागालैंड असम अरुणाचल प्रदेश तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश ईटानगर प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश कहां कहां पहुंचते रहते ये बंदा प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल मतलब जहां उसे पेरा जाता हो पीसा जाता हो चूरा जाता हो का उद्घाटन किया गया भारत में कुल खाद्यान्न तेल का 57% विदेशी आयात किया जाता है समझ में आया पाम ऑयल कितना खरीदा जाता है 57% खरीदा जाता है और ताड़ के पेड़ देखिए कितना रहता है ना उकरा से फलवा से निकालो और प्रोसेसिंग के धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने की कोशिश हो रही है ना दूसरा देश से लाने की कोशिश नहीं हो रही है ना अंदर में पाम तेल इस प्रकार से भी निकाला जाता है ये खजूर का ये दूसरा वैरायटी है ठीक है ये दूसरा वैरायटी है ओके ओह कहां गया कहता है पाम तेल एक खाद्य वनस्पति तेल है जो ताड़ के पेड़ों के फल से प्राप्त किया जाता है पाम तेल का सबसे बड़ा उत्पादक इंडोनेशिया है पहले हो चुका है ना पूरा अब लग रहा है ना क्लास में वैसा चीज ज्यादा आता है जो पहले बता दिए है ना तो लगभग 4 से 5 महीना पढ़े भी तो हो गया तो 1.5 साल का समय लिया जाता है कोई भी एग्जाम को तैयारी करने 1.5 साल टीचर के साथ और 6 महीना अपने रिविजन उसके बाद 2 साल नौकरी के लिए मैक्सिमम है आप अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो 2 साल से ज्यादा नहीं लग सकता ठीक है तो सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है इंडोनेशिया रटना भी नहीं पड़ा इंडोनेशिया उसके बाद मलेशिया थाईलैंड नाइजीरिया किस देश किस से कॉन्टिनेंट में अफ्रीका में नाइजीरिया की राजधानी नाइजर अच्छा सब इसमें राजधानी याद है बच्चे इंडोनेशिया की राजधानी जाकर्ता और नई राजधानी नुसांतरा मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और नाइजीरिया की राजधानी नाइजर अरुणाचल प्रदेश का करंट अफेयर देखो तो कहता है 130 फीट ऊंचाई पर दुनिया का सबसे लंबी वायलेन सुरंग सेला टनल बनाया गया सेला टनल कुछ दिन पहले 2-3-4 दिन पहले पढ़ाया गया सेला टनल के बारे में सेला टनल के बारे में सबसे ऊंचाई पर सुरंग है ये ठीक है और ये रोडवेज दो होगा इसमें आने का भी एक होगा और एक जाने का होगा पढ़ाया था कहता है और 26वां जिला केई नायोर बनाया पन्योर बनाया गया केई पन्योर बनाया गया नया जिला कहां पहले 25 को जिला था अरुणाचल प्रदेश में अब हो गया 26 जिला 27वां जिला भी बनाया गया जिसका नाम था बीचुंग और पक्के पागा हॉर्निवल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में याद रखो ये लाइन याद रखना है हॉर्निवल महोत्सव कहां मनाया जाता है तो हॉर्निवल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में तेंजिंग यांकी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस बनी थी तेंजिंग यांकी चाचिन ग्रांजिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में और बिहू कू त्योहार भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है किस राज्य सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर में 2.5 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी है ना जम्मू कश्मीर में खरीदेगा बताइए होगा राजीदर और खरीदेगा जम्मू कश्मीर में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश राजस्थान तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा महाराष्ट्र के द्वारा खरीदा जाएगा ठीक है महाराष्ट्र के द्वारा खरीदा जाएगा
क्या जम्मू कश्मीर में 2.5 है। पहले जमीन नहीं खरीदा जा सकता था जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब आप जम्मू कश्मीर में खरीद सकते हैं, बस सकते हैं, जैसे जहां रहते हैं वहां आप जम्मू कश्मीर में। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 2.5 एकड़ जमीन खरीदने की मंजूरी दी है। सरकार श्रीनगर स्थित कहां खरीदेगी, श्रीनगर में कश्मीर मध्य कश्मीर के बड़गांव में, कहां पे बड़गांव में महाराष्ट्र के भवन बनाई जाएगी, यानी महाराष्ट्र भवन बनाया जाएगा। बढ़िया है, आदमी नहीं खरीद रहा तो सरकारें खरीद लो, ठीक है। आइए, कहता है महाराष्ट्र भवन में जम्मू कश्मीर जाने वाले राज पर्यटकों और अधिकारियों का आवास और दूसरी सुविधाएं भी दी जाएगी, ठीक है, जहां देखो मोदी, ठीक है। महाराष्ट्र में जम्मू कश्मीर के जमीन खरीदने का पहला राज बन जाएगा, जम्मू कश्मीर में राज्य खरीद रहा है जमीन, ठीक है, तो यह पहला राज बन जाएगा। आइए, श्रीनगर के अलावे श्रीनगर के